स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय चंदन पाठक में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फीडबैक के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट अपने आप में सारे के सारे स्पेशल यूनिट है। 5 यूनिट में 3 यूनिट 6-6 नंबर की है, बाकी की 2 यूनिट आप लोगों की जो है वह है आप लोगों की 22 नंबर की, यानी कि 22 मार्क्स एंड बचा हुआ आपका 18 नंबर। 18 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस करना बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जाएगा वही आएगा, लेकिन बाकी के 22 नंबर में से 10 नंबर या 12 नंबर एज ऑन न्यूमेरिकल कवर करके चलता है। तो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक को भी आप लोगों को समझकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तीन टॉपिक की जो 6-6 नंबर के टॉपिक्स हैं। अब तीन टॉपिक जो 6-6 नंबर के टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन जब मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो कोशिश करिएगा कि साथ साथ पेन लेके नोट डाउन कर लेगा, और ख़ास करके उन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आप ये भी जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको इन टॉपिक की वीडियो भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों ने उनकी वीडियो देख ली होगी। बट फिर भी अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं उन टॉपिक्स के तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ख़ास करके एक और चीज़, जब आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉच कर लेते हैं तो एक सारे यूनिट वाइज और स्पेशल क्वेश्चंस नोट्स फॉर्म में इंक्लूडेड है ऐप के अंदर। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, बस आप ऐप को इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल के अंदर और आपको एक बैच कोड मिल जाएगा। बैच कोड मिलने के बाद आप वहां पर पर्सनली चैट कर सकते हैं और वो सारा का सारा सिक्योर्ड है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन केवल आप तक रहेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख सकता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो मनी एंड बैंकिंग में से मनी सप्लाई की डेफिनेशन, डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन, M1 के कंपोनेंट्स यानी M1 के अंदर करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स आती हैं, ये पढ़कर जरूर चलिएगा। और यहाँ पर टाइम डिपॉजिट की डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में खास करके तीन टॉपिक बनते हैं। तीन टॉपिक में से लास्ट वाला टॉपिक में बोलने हुआ वो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में भी कवर होकर चलेगा। तो 6 नंबर या तो यहाँ से कवर करेगा या फिर वो वहाँ से कवर करेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, बैंकिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक के फंक्शन। सेंट्रल बैंक के तीन फंक्शंस पे बार बार जोर दिया जाता है। तो वैसे तो सेंट्रल बैंक के चारों फंक्शन को आप अच्छे से पढ़कर चलिए, तो आप उसको जरूर पढ़ के चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आता है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इस क्वेश्चंस को बार बार दिया जाता है। अब स्पेशल अप्रोच ये रहेगी कि इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में चेंज किया जाए, तो न्यूमेरिकली फॉर्म में भी इसे आपसे पूछा जा सकता है। तो इन तीन चार टॉपिक को तैयार करके चलेंगे आप, तो मनी एंड बैंकिंग में से पूरे के पूरे आप 6 नंबर कवर अप करके चलेंगे। लास्ट टॉपिक जो एक्सेस डिमांड और मनी एंड बैंकिंग में भी कवर होकर चलता है वो है आप लोगों का सेंट्रल बैंक के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट, यानी कि जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, अर्थात CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सिचुएशन, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये वाला सारा का सारा टॉपिक। मनी एंड बैंकिंग के अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर यहाँ से भी कवर कर सकते हैं और 6 नंबर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड से भी कवर कर सकते हैं आप लोग। सेम कहानी रिपीट होती है अब आगे अगली यूनिट पे, यानी कि बजट। बजट भी इस साल 6 नंबर का है 2019 के एग्जाम के लिए। तो बजट में से कौन से वो टॉपिक हैं जो खासकर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो बजट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट के ऑब्जेक्टिव्स। तो कृपया कर बजट के चारों ऑब्जेक्टिव्स के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें। बजट के ऑब्जेक्टिव्स को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी चेंज किया जाता है, तो बजट के ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से पढ़ें। वो आपसे हो सकता है कि बजट के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने को कहे और वहाँ से आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछे, तो बजट का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बजट के स्ट्रक्चर में से मैं अगर आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है कि आप रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ें। और खासकर एक और चीज़ कि मान लीजिए जैसे कि टैक्सेस रिसिप्ट्स हैं, तो ये किसका पार्ट है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स का, कैपिटल रिसिप्ट्स का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाई, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक लास्ट टॉपिक जो बजट में बिल्कुल नहीं भूल के चलना है, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट एंड एक होता है फिस्कल डेफिसिट। तीनों के तीनों डेफिसिट की डेफिनेशन एंड इसके इम्प्लीकेशन जरूर पढ़ें आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि बजट में अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो बजट में भी 6 नंबर पक्के हैं आपके। तो यानी कि 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए मनी बैंकिंग में एंड 6 नंबर हो गए बजट में पक्के पूरे के पूरे। अब सेम इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम चलते हैं तो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट तीन तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड
बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस को अच्छे से पढ़ेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर सेकंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहता हूँ कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट की आइटम्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए और इनकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इम्पोर्ट ऑफ मशीन कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक और टॉपिक आता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, कि ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम में जैसे ही डिफरेंस खत्म होता है तो एक एडिशनल क्वेश्चन तैयार करके चलना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज इक्वल क्यों रहता है। इसी क्वेश्चन को रिवर्ट बैक करके अगर समझा जाए तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, इनका आरबीआई किस तरीके से यूज करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज में जैसे ही हम घुसते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब डिटरमाइन करते हैं तो दो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, सॉरी तीन सिस्टम, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग। तो तीनों के मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग को कब यूज किया जाता है ये जरूर पढ़िएगा यहाँ पर। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटरमिनेशन कैसे होता है आप लोगों का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, इसको भी खासकर पढ़िएगा। थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ इसका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चारों टॉपिक को मिला करके या इनमें से किसी एक सिंगल टॉपिक को मिला करके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है तो। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में से सबसे लास्ट और सबसे आसान क्वेश्चन एक और एडिशनल अगर आप यूज करके चलते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्यों की जाती है। तो अगर आप इतना तैयार करके चलते हैं तो ये जो तीन यूनिट मैंने आप लोगों को बताई है, मनी एंड बैंकिंग, सेकेंड यूनिट मैंने बोला है आप लोगों के साथ बजट, एंड थर्ड यूनिट मैंने बोला है आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि तीनों मिलाकर होती है 18 नंबर। तो 18 में से 18 आप ग्रैब कर सकते हैं, इस बात की तो प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं दो यूनिट, यानी कि पूरी मिलाकर कवर होती है 22 नंबर। नेशनल इनकम एक ऐसे यूनिट है जहां पर अगर आप थ्योरी पे फोकस करके चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अगर आप ओपिनियन मान के चले तो नेशनल इनकम की थ्योरी पे फोकस ना करके आप पेपर सॉल्व करें और उन पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनके आंसर डिस्कस करें। तो नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कहा जाए 6 नंबर के लिए तो आता है इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का कंबाइंड क्वेश्चन। इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चंस करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 2 से 3 मिनट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उसके बाद आप आराम से 6 नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दो टॉपिक और न्यूमेरिकल के जरूर तैयार करके चलेगा यहां से, वैल्यू एडेड मेथड एंड आप लोगों का रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा नेशनल इनकम की थ्योरी में अगर मैं 3-4 क्वेश्चन बात करूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स के बीच डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो के बीच डिफरेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के रिगार्डिंग आप लोगों की रीजनिंग, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक जिसमें सबसे बेस्ट 4 नंबर में पूछा जा सकता है वो जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज, यानी कि जीडीपी एज अ वेलफेयर ऑफ इंडिकेटर कि क्यों ट्रीट नहीं करते हैं हम लोग, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस, तो नेशनल इनकम पूरे 10 नंबर कवर हो जाती है इतने से हिस्से में खाली अगर आपको न्यूमेरिकल आता है अच्छे से तो। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट अपने आप में एक बहुत खास यूनिट है, 12 नंबर की यूनिट है, और आप अगर इसको ध्यान से पढ़कर चलेंगे तो आपके मार्क्स कवर अप अच्छे से हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में आप लोगों को क्या करना है जरा समझिएगा। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में आप लोगों को जो सबसे पहला काम करना है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन एंड इसके कंपोनेंट्स को जरूर पढ़कर चलना है। उसके साथ साथ कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन का डेरिवेशन एंड सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन का डेरिवेशन जरूर पढ़कर चलना है। और इसके साथ साथ इसी टॉपिक में हम बात करते हैं कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से भी एक न्यूमेरिकल 6 नंबर का उठकर आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन यहां से 6 नंबर का उठकर आ सकता है। तो इनकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और इनकी प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़कर चलिएगा। अब यहाँ पर ये कहानी जब खत्म होती है तो डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जरूर पढ़कर चलना है आप लोग को, ADAS अप्रोच से और आई और एस अप्रोच से। यहाँ से AD ग्रेटर देन AS होगा तो क्या होगा और आई ग्रेटर देन एस होगा तो क्या होगा और इसका वाइस वर्सा, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार करके चलना है। सेम एज इट इज अगर हम लोग बात करते हैं इसी में मल्टीप्लायर में, तो मल्टीप्लायर में वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर 3 साल से एग्जामिनर की चॉइस बनी हुई है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर देता है। बट K एंड MPC में क्या रिलेशनशिप होता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड MPC, यानी मल्टीप्लायर एंड MPC में क्या रिलेशनशिप है एंड MPC एंड MPS में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी जरूर पढ़कर चलिएगा आप लोग साथ साथ। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की यूनिट खत्म होते आती है स्टार्ट। तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग, इसका कर्व और इसको कैसे कॉम्बैट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी,
ये यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12 नंबर के लिए। तो कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 30 प्लस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 30 प्लस आसानी से आ सकते हैं। खास बात ध्यान सुनिएगा कि माइक्रो एंड मैक्रो में कहा तो ये जा सकता है कि अगर मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में माइक्रो एंड मैक्रो के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से 74 प्लस का स्कोर 80 में से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम के अंदर जो थोड़ा नया सा लगता है देखने के लिए, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, खास करके जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर सॉल्व करते टाइम। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा है उसको करिए, और जो भी डाउट सेशंस वगैरह है आप वहां से पूछिए, और प्लीज जो क्वेश्चन है उसके फ्रेंड्स को अपने साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय।